थर्ड पॉइंट इज चूज योर फ्रेंड्स सर्कल वाइजली, वेरी वाइजली। अगर तुम्हारे दोस्त टाइम वेस्ट करने वाले और बिल्कुल एंड मोमेंट पे पढ़ाई करके पास होने वाले और पूरे टाइम फोन पे लगे रहने वाले हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे। जैसी संगति वैसी रंगति। अब तुम यार कॉलेज में हो, डिसिप्लिन की बात एक और बतानी थी मेरे को कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है कॉलेज में, क्योंकि तुम अब कॉलेज में हो, तुम्हारे मम्मी पापा हर चीज़ के लिए नहीं आएंगे कि बेटा ये सही करना है ये गलत करना है और इसके साथ नहीं घूमना उसके साथ नहीं घूमना। तुमको वो खुद डिसीजन लेना है, तुमको खुद अपना फ्रेंड सर्कल चूज़ करना है, तुमको अपनी खुद डाइट प्लान चूज़ करनी है, अपने वर्कआउट टाइमिंग्स खुद चूज करनी है, अपनी पढ़ाई का खुद मैनेज करना है। तो यू हैव टू बिकम योर ओन पेरेंट। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ और अपना फ्रेंड सर्कल ना चूज़ करो वाइजली। जो लोग ड्रिवन है, जो तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे बैच में टॉपर्स हैं, तुम उनके साथ दोस्ती रखो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों के साथ दोस्ती मत रखो, उनके साथ रखो, बट नो दैट कि अगर तुम उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तुम ग्रो नहीं करोगे इतना। तो ये था मेरे थर्ड तीन टिप। फर्स्ट था कि व्हाट गेट्स रिटन गेट्स डन, सेकंड है डिसिप्लिन मेंटेन करो, थर्ड है चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। चाहे सिर्फ दो बंदे तुम्हारे दोस्त हो बट बहुत गाढ़े और काम आने वाले दोस्त हो। फिर फोर्थ है कि मिशन फॉर द डे, हर रोज़ तीन मिशन रखो दिन के कि आज मेरे को एक दिन में ये तीन चीज़ें करनी है, क्योंकि तुम एक सोल्जर